हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मेरे पास है एएमटी गाड़ी, ऑटोमेटिक इसको बोल देते हैं। बहुत टाइप की ऑटोमेटिक गाड़ी आती हैं। एएमटी आती है, एटी आती है जिसको टॉर्क कन्वर्टर भी बोल देते हैं, फिर अपने पास सीवीटी भी आती है, डीसीटी भी आ जाती है, काफ़ी टाइप की आती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एएमटी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का सबसे सस्ता वर्जन ये होता है और अक्सर लोग बोलते हैं इसमें ना वो मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने का। तो कई जगह पर मज़ा भी आ जाता है और कुछ जगह ऐसी है वाकई ठीक बोलते हैं जहाँ पर मज़ा नहीं आता। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एएमटी में हमेशा बनी ही रहती हैं, चाहे आपको कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी एडवांस अब तक हो गया है, वो प्रॉब्लम है किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। मेरे पास है टाटा नेक्सोन डीजल में, एएमटी में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एएमटी गियरबॉक्स, मतलब गियरबॉक्स आपको दिख रहा है, एएमटी वाला है ये वाला सिस्टम। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ रहेगी, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी को, अभी आपको दिखाऊंगा, अभी जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम चलना शुरू करते हैं, आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी रेस दे दी, जब ट्रैफिक जाम में खड़े होता है ना तब ज़्यादा होता है, हालांकि मैं अभी चलूंगा तब आपको पता लगेगा, हम इसका पंजा दबाते हैं, हमने रेस दी है। जैसे हमने पंजा दबाया तो गाड़ी ना थोड़ा सा टाइम लेती है, लगभग 1 सेकंड का कुछ हिस्सा लेती है। हमें लगता है गाड़ी चली नहीं, हमने रेस दे दी लेकिन गाड़ी चली नहीं, हम थोड़ा सा पंजा और दबाएंगे, तब तक वो अपना मौसम बना लेगी, फिर वो एकदम से निकल जाती है। तो ये प्रॉब्लम रहती है, वो कैसे है आपको अभी दिखाता हूँ। अभी ब्रेक पर अपना पैर रखा हुआ है, जैसे ही मैं ब्रेक पर से पैर हटाऊंगा गाड़ी तुरंत चलनी चाहिए लेकिन तुरंत नहीं चलती है। अब बाहर भी देखते रहना क्या हमारी गाड़ी चली, मैंने हटाया नहीं चली, अब ये चलना शुरू हुई है। और जैसे ही मैं देखे एकदम से रेस देता हूँ ना तो गाड़ी एकदम से चलती नहीं है, मैंने एकदम से पंजा दबाया, एकदम से गाड़ी चलती ही नहीं है कभी भी। आप हमेशा इसमें थोड़ा सा डिले रहता ही है। अब इस डिले का थोड़ा सा आपको और बढ़िया तरीके से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमें एकदम से किसी को ओवरटेक करना है, अब ओवरटेक के टाइम पर आप क्या करेंगे, आप अगर मैनुअल गाड़ी में चल रहे हैं तो आप एकदम से पंजा ही दबाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप गियर चेंज करना शुरू कर दें, या फिर आप अगर बड़े गियर में तो फटाक दे से अपना छोटा गियर लगाएंगे और निकल जाएंगे। ये गाड़ी भी वैसा ही कुछ करती जरूर है लेकिन ये उसमें भी डिले कर लेती है। अब आप देखना यहाँ पर हमारे स्पीडोमीटर में जहाँ पर हमारे गियर चेंजिंग का जो ऑप्शन है वो दिखाता है, अभी हमारी गाड़ी 5th गियर में चल रही है और जैसे ही मैं एकदम से पंजा दबा दूंगा ना, आप देखना गाड़ी जो है गियर को कम करेगी, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, गाड़ी गियर कम करेगी और फिर ये स्पीड पकड़ेगी, उसमें टाइम लग जाता है। 1 2 3 बोलते ही मैं पंजा दबा दूंगा, 1 2 3 पूरा पंजा, देखिए देखिए अब आया ना आपको समझ में, जैसे ही मैंने पंजा दबाया तुरंत गाड़ी ने गियर डाउन किया, पहले डाउन करती है उसके बाद स्पीड पकड़ती है तब चलती है। 5th गियर में आ गई, दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, एकदम से मेरा पंजा जाएगा, एकदम से यहाँ पर रखा है ना, और तुरंत आपको दिखाइए, देखिए मैंने दबा दिया था उसके बाद अब इस गाड़ी ने स्पीड पकड़ी है। तो उसमें थोड़ा सा डिले रहता है, हमेशा डिले रहता है। आप एकदम से ओवरटेक करना चाहते हो, एकदम से ओवरटेक नहीं कर पाते हो। अब तीसरी चीज़ जो मुझे हमेशा ये गाड़ी दिक्कत करती है, हालांकि मुझे तो आदत हो गई है, और इन सबसे जो मतलब आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है हमेशा बनी रहेगी, एएमटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बड़ी हैं या नहीं है उसका भी मैं बता दूंगा आपको, लास्ट में पता लग जाएगा। अब तीसरी प्रॉब्लम इसमें रहती है, कहीं पर अगर ऊंचाई आ जाती है, हिल होल्ड असिस्ट इसमें नहीं है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, किस तरीके से करती है, पीछे रोल बैक होती है नहीं होती है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, एक स्लोप वाली जगह का ढूंढ लेता हूँ। अब जो तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता था वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब देखिए मैं जा रहा हूँ सामने, ये है कच्चा रास्ता, लेकिन पक्के रस्तों पर भी ऐसी चीज हमें दिख जाती है। अब सामने आपको दिख गई बाइक, वहां पर रोड है, मुझे उधर का भी नहीं दिख रहा, उधर का भी नहीं दिख रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पर मैं सामने जाऊंगा, मुझे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, तब मुझे दोनों तरफ देखना पड़ेगा, फिर मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी गाड़ी खड़ी होगी उस टाइम पर ऐसे स्लोप पर, ठीक है, ऐसे स्लोप पर, और जब मैं अपनी गाड़ी रोक दूंगा यहाँ पर, फिर मैं गियर पे से मतलब ब्रेक पर से तो पैर तो हटाना ही पड़ेगा ना। अगर हमारी है क्लच वाली गाड़ी तो उसमें हम हाफ क्लच को लेकर और गाड़ी को आगे चला देते हैं, या वो गाड़ियाँ जिनमें हमें हिल होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिक में, वो भी कामयाब हो जाती हैं। लेकिन अगर एएमटी आपको मिल रहा है जिसमें हिल होल्ड नहीं है, तो आपकी गाड़ी ना रोल बैक हो जाती है, अगर आप ट्रैफिक जाम में खड़े हैं उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है।
क्या चीज है वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने गाड़ी अभी चला दी है, सामने आपको दिख रहा है स्लोप आ रहा है। अब मेरे को उधर नहीं दिख रहा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक दी। अब मैंने उधर देख लिया कोई नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक पर से पैर हटाकर और रेस दूंगा। लेकिन गाड़ी एक बार रोल बैक हो जाती है, ये देखिए हुई, हल्की सी रोल बैक हुई, अब देखिए हल्की सी रोल बैक हुई और ये देखिए ये। तो ये चीज जो है ना, हमेशा इस गाड़ी में आपको, मतलब AMT में जिसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट नहीं मिलता, वो आपको दिक्कत रहती ही है। अब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी क्या ऑटोमेटिक AMT, मतलब AMT वाला वर्जन लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, जब आप गाड़ी चलाते हो ना, धीरे धीरे आप उसके बारे में सीख जाते हो, चाहे कोई भी गाड़ियां हैं। जो हमारी क्लच वाली गाड़ी आती है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन बोल देते हैं, उसका भी हर एक गाड़ी का एक अपना ही अलग पॉइंट होता है। किसी में टर्बो होता है, किसी में टर्बो नहीं होता है, किसी की लॉन्ग क्लच होती है, शॉर्ट गियर्स होते हैं, लॉन्ग गियर्स भी होते हैं, किसी में 5 गियर है, 6 गियर है, कोई कहीं पर पिकअप पकड़ती है, कोई कहीं पर पिकअप लेती है, तो उसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं। उसके अकॉर्डिंग भी आपकी आदत धीरे धीरे आ जाती है। आपको पता होता है मैनुअल में आपकी गाड़ी कहाँ पर पिकअप लेगी, कौन से गियर में वो चलेगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वही वाले गियर्स वही तरीके से आप चलाते हो। तो ऑटोमेटिक में जो आपके पास AMT गाड़ी होगी ना, कुछ टाइम के बाद आपको उसकी भी आदत हो जाती है। जो मैंने आपको भी प्रॉब्लम्स बताई है ना, वो मुझे कभी भी नहीं आती अब, ठीक है। इन सब का मेरे को पता है किस तरीके से मेरा शरीर अपने आप ही वो चीजें टैकल कर लेता है और मुझे, मतलब कभी प्रॉब्लम आती नहीं है। कोई नया बंदा जब स्टार्टिंग में चलाता है ना गाड़ी, कभी भी वो टेस्ट राइड लेने जाता है या किसी ने मेरी गाड़ी चला ली, उसको हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। फिर वो कहता है, नहीं यार ये ना ऑटोमेटिक बेकार है, ये वाला AMT अच्छा नहीं है, मैं कभी नहीं लूंगा। तो ये चीजें रहती हैं। अगर आप एक बार AMT चलाकर कभी गाड़ी लेना चाहते हैं ना, आपको उसमें ये चीज लगी, आपको झटके लगते हैं बहुत बार, ऐसा लगता है यार गाड़ी ना झटके लगा रही है जब इसमें गियर चेंज होते हैं, तो लगता है स्टार्टिंग में, हर किसी को लगता है, अलग अलग चीजें आपको लगेगी ही लगेंगी। लेकिन जब आप चलाएंगे गाड़ी तो आपको थोड़े टाइम के बाद आदत हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि अपनी गाड़ी में ये इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं ना AMT के बारे में, आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।